नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जिस ट्रेन की जानकारी लेकर आए हैं वह ट्रेन है तमिलनाडु एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर है 12621। तमिलनाडु एक्सप्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली के बीच रोजाना चलती है। चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली की दूरी 2182 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 33 घंटा 40 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। यह गाड़ी चेन्नई सेंट्रल से चलकर विजयवाड़ा, नागपुर, इटारसी, भोपाल जंक्शन, बिरंगना लक्ष्मीबाई, झांसी होते हुए न्यू दिल्ली को जाती है। इस गाड़ी का टिकट किराया की बात करें जो कि MGR चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली तक का है, फर्स्ट एसी 5,285 रुपया, सेकेंड एसी 3,100 रुपया, थर्ड एसी 2,140 रुपया, स्लीपर क्लास 820 रुपया। इस गाड़ी का दूसरे स्टेशनों तक का टिकट किराया जानने के लिए या कन्फर्म टिकट जानने के लिए रेलवे के वेबसाइट या रेलवे काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु एक्सप्रेस अपने समय अनुसार MGR चेन्नई सेंट्रल से रात को 10 बजे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ती है। MGR चेन्नई सेंट्रल का स्टेशन कोड है MAS। इसके बाद यह गाड़ी विजयवाड़ा जंक्शन को रात को 3:45 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 3:55 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 431 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। विजयवाड़ा जंक्शन का स्टेशन कोड है BZA। इसके बाद यह गाड़ी परंगन स्टेशन को सुबह 6:50 पर पहुँचती है और 6:52 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 637 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। परंगन स्टेशन का कोड है WL। इसके बाद यह गाड़ी बल्लारशाह स्टेशन को सुबह 10:35 पर पहुंचती है और 10:40 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 881 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। बल्लारशाह का स्टेशन कोड है BPQ। इसके बाद यह गाड़ी नागपुर स्टेशन को दोपहर 1:50 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 1:55 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,089 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। नागपुर स्टेशन का कोड है NGP। इसके बाद यह गाड़ी इटारसी जंक्शन को शाम को 6:30 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 6:35 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,387 किलोमीटर कवर कर चुकी रहती है। इटारसी जंक्शन का स्टेशन कोड है ET। इसके बाद यह गाड़ी भोपाल जंक्शन को रात को 8:10 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 8:22 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 12 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1,479 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड है BPL। इसके बाद यह गाड़ी बिरंगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन को रात को 12:50 पर पहुंचती है और 1 बजे वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1,771 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। बिरंगना लक्ष्मीबाई झांसी का स्टेशन कोड है VGLV। इसके बाद यह गाड़ी ग्वालियर स्टेशन को रात को 2:10 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 2:12 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,869 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। ग्वालियर स्टेशन का कोड है GWL। इसके बाद यह गाड़ी आगरा कैंट को सुबह 4:03 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 4:05 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1,987 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। आगरा कैंट का स्टेशन कोड है AGC। इसके बाद यह गाड़ी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन को सुबह 7:15 पर पहुंचती है
और 7:17 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 2175 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन कोड है NZM। इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन को 2182 किलोमीटर कवर करते हुए न्यू दिल्ली स्टेशन को सुबह 7:40 पर पहुंचती है। न्यू दिल्ली ही का स्टेशन कोड है NDLS। दोस्तों तमिलनाडु एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।